गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी, जहां हम करते हैं शेयरों की खोज फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर और स्ट्रॉन्ग शेयर्स ढूंढकर उन्हें खरीद कर रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय तक के लिए मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। अगर ये चैनल आ रहा है आपको पसंद तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक शेयर और कमेंट्स अगर ये वीडियोज़ किसी भी तरह से आपकी मदद कर रहे हो। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर बार जब भी नया वीडियो आता है आपको उसकी जानकारी मिल सके। वो निवेशक जो मार्केट के बारे में पढ़ना और सीखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक दिए गए हैं, इन लिंक्स पर जाकर आप इनका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर मैसेज करके हमारे मॉडरेटर्स आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स कि आप ऑप्शन ट्रेडर या फिर इंट्राडे ट्रेडर नहीं होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए इस सेशन को। हैप्पी इन्वेस्टिंग। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है एक बेहद खास सेशन में जो कि है हमारे इस चैनल शेयर एकेडमी का। और हम समझ नहीं पा रहे थे कि पिछले तकरीबन 3 महीनों से आखिर हम इतनी तेज़ क्यों बढ़ रहे हैं। हर दिन तकरीबन हमारे पास में 20 से 25 सब्सक्राइबर्स नए ऐड होते जा रहे हैं, जैसे जैसे लोगों को इस चैनल के बारे में पता चलता जा रहा है। बट हमें यह नहीं पता चल रहा था कि आखिर ये चीज़ें हो क्यों रही हैं। और पिछले कुछ समय से जब हमने अपनी ही कॉल्स का एनालिसिस करना शुरू किया तब पता चला, और उसी कारण हम आज का ये सेशन बना रहे हैं जो कि बेहद ख़ास सेशन है फ्रेंड्स। हमें ये फीडबैक मिला अपने ही सब्सक्राइबर्स से। ज़रा ध्यान से देखिए कि निफ्टी के आज के दिन जो निफ्टी में तकरीबन 177 पॉइंट की गिरावट हुई और निफ्टी तकरीबन 11,419 के पास, एक बार तो सबसे निचले लेवल थे 11,399, वहाँ तक आने के बाद में एट लास्ट बंद हुआ 11,400 पर। और हमारे सब्सक्राइबर्स ने कहा कि कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने मिस कर दी हैं, आपने ध्यान नहीं दिया। और हमने कहा कौन सी, तो उन्होंने कहा कि 11,400 का ये लेवल शेयर अकेडमी उस दिन से कह रहा है जिस दिन 11,700 की बात हो रही थी बाकी सभी चैनल्स पर, बिजनेस चैनल पर और यहाँ तक कि न्यूज़पेपर में भी। सो, हमसे कहा गया कि एक हाईलाइट बनाइए और बताइए कि आखिर कैसे आपने ये जाना कि निफ्टी 11,400 के पास में आने जा रहा है 7 दिनों पहले। क्या ये वाकई पॉसिबल है कि मार्केट के अंदर किसी को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन थी? सो फिर हम अपनी प्रीवियस लाइव सेशंस के अंदर गए और उसके बाद हमने देखना शुरू किया। फ्रेंड्स, ये लाइव सेशंस है हमारी, ये 9 जुलाई की लाइव सेशन है जब हमने एक्सपेक्ट किया था कि निफ्टी 11,400 पर आएगा, और इस वजह से इसका ये जो टाइटल था ये भी हमने डाला था। और उसकी वजह एक सिंपल एनालिसिस था। वो सिंपल एनालिसिस क्या है कि निफ्टी का अगर आप डेली चार्ट खोलेंगे सो क्लियर आपको मिलेगा डेली चार्ट के ऊपर क्या बहुत ही शानदार एक गैप अप ओपन निफ्टी का था, जो कि गैप खुला हुआ था 11,400 के पास। और जिस समय निफ्टी रेंज में था तकरीबन 11,700 के आसपास, और जब बातें होने लगी थी कि निफ्टी 11,800 11,900 तक भी जा सकता है, उस समय भी हमारी तरफ से जो रेंज ओपन थी वो 11,400 की थी। हमने ज़्यादातर अपने सब्सक्राइबर्स को यही बताया था, ज़्यादातर क्या सभी सब्सक्राइबर्स को, कि फ्रेश बाय करने से बचिए। और देखिए ज़रा कैसे 9 जुलाई के इस सेशन में हमने इसकी एक बार हाईलाइट दिए थे, ज़रा ध्यान से सुनिएगा इस क्लिप को। ओके फ्रेंड्स, तो बज गए हैं 3:30, माफ़ कीजिएगा। और पूरे दिन निफ्टी एक बिल्कुल क्लोज जोन के अंदर मूव करता रहा है, 11,550 बंद हुआ है निफ्टी, और करंटली अभी भी सेशन ओपन है 11,400 के लिए। हमारे लिए 11,400 के अभी भी लेवल्स हैं जहां पर कि निफ्टी आएगा, जिसका हम वेट कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड के अंदर है। करंटली आँख बंद करके किसी भी शेयर के अंदर बाय नहीं करना है जब तक कि आप शेयर्स को थॉरली एनालाइज नहीं कर लेते, फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरीके से। ओके फ्रेंड्स, सो ये था हमारा 9 जुलाई का सेशन जिसमें कि निफ्टी की क्लोजिंग होते होते भी 11,400 का जो लेवल था वो कंप्लीट नहीं हुआ था। और वहाँ से हमने पूरी तरह से कह रखा था कि निफ्टी का जो 11,400 का लेवल है ये आएगा ही। इसके बाद हमने अपनी ये जो कॉल थी इसको मेंटेन करके रखा था, बावजूद इसके कि निफ्टी धीरे धीरे अप ट्रेंड दिखाना शुरू कर रहा था। निफ्टी जो अगले पूरे एक हफ्ते तक चला, आज तक 9 तारीख तक, हमने हमेशा ये मेंटेन कर रखा था कि 11,400 का लेवल जो है वो निफ्टी के अंदर ज़रूर आएगा। और हर दिन के जो हमारा सेशन होता था उसके अंदर, इवनिंग का सेशन उसके अंदर भी, और जो आफ्टरनून का सेशन होता था उसमें भी स्पेशली एनालिसिस करके टेक्निकल्स, और टेक्निकल्स के साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता था उससे ये क्लियर पता चल जाता था कि निफ्टी का 11,400 का जो लेवल था वो ऑलवेज ओपन था। इसकी बैकअप पर भी अब सही चलेगा, बिकॉज वी हैव यूज्ड अ फिल्टर, आज फर्स्ट टाइम फिल्टर हमने यूज। और सबसे लास्ट जो इसका इंडिकेशन मिला वो था कल की डेट में, इसका जो सबसे लास्ट इंडिकेशन हमें मिला था वो था कल की डेट का, जो ये पर्टिकुलर सेशन है। उससे पहले कि आप जितने सेशन देखे उन सारे सेशंस में हमने हमेशा ओपन रखी थी 11,400 की ही कॉल, और
कारण क्या था? कारण था कि अगर आपके पास में नॉलेज है टेक्निकल एनालिसिस का, टेक्निकल एनालिसिस के साथ में अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं तो आपके लिए ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और फ्रेंड्स सामने उदाहरण सामने है आपके कि नॉलेज और डाटा एनालिसिस अगर आपको करना आता है तो आपको पता है कि क्या होने वाला है। जरा इस क्लिप को ध्यान से सुनिएगा, ये क्लिप है 18 जुलाई यानी कल की, और कल के आफ्टरनून का सेशन है ये। क्लोजिंग के समय हम हमेशा निफ्टी की ऑप्शन चेन एनालिसिस एक बार ओपनिंग में यानी कि 2 बजे निफ्टी की ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं जब हम लाइव सेशन शुरू करते हैं, और एक बार जब ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं जब निफ्टी क्लोजिंग होने वाला होता है 3:30 से थोड़ा सा पहले। तो जरा इस जो पर्टिकुलर क्लिप है थोड़ी देर की, इसे ध्यान से सुनिए कि इसके अंदर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। ओके ओके, और अब फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, कॉल पुट क्या कहते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी के बंद होते समय, क्योंकि अगले आने वाला जो वीक है, आज चूंकि वीकली क्लोजिंग है इसलिए आने वाले वीक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है निफ्टी के लिए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इसे। अगर समझ में नहीं आता है तो भी ध्यान से सुनते रहिएगा, सुनने से आपको बहुत कुछ पता चलता है। ठीक, क्या मज़ेदार चीज़ है कि जो प्रीमियम है वो कम हो रहा है, कॉल साइड का प्रीमियम कॉन्टिन्यूसली कम हो रहा है। और किन किन लेवल्स पर कम हो रहा है? हर लेवल पर कम हो रहा है कॉल साइड का प्रीमियम। कहाँ कहाँ पर? 11,600, 11,700, 11,800, हर जगह प्रीमियम कम हो रहा है। और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, 11,700 पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है 13 लाख शेयरों का। इसका मतलब क्या होता है? प्रीमियम कम हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो कॉल बेचने वाले हैं ना वो आकर लोगों से कह रहे हैं कि कॉल खरीदो, कॉल खरीदो, कॉल खरीदो, कॉल खरीदो, तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। प्रीमियम कम क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉल बेचने वाले बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हर कोई कॉल बेचने के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो एक कहता है कि मैं 45 पर बेचूंगा, तो दूसरा कहता है नहीं 40 पे ही मैं बेच दूंगा, तीसरा कहता है अरे मैं 35 पर बेच रहा हूं, कोई आए तो खरीदने वाला, चौथा कहता है मैं 30 पर बेच दूंगा। तो प्रीमियम कम होता रहता है, कॉल बेचने वाले ज्यादा, प्रीमियम कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है? जिस चीज की सप्लाई ज्यादा है इसका मतलब है कि उस चीज के होने की संभावना कम है मार्केट में, यानी निफ्टी के ऊपर जाने की संभावना कम है। और निफ्टी के ऊपर जाने की संभावना कम है इसलिए कॉल मत खरीदिए, ठीक है ना? ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैप हो रहे हैं। अब सुनिए कि अगर ऊपर नहीं जाएगा निफ्टी तो ऊपरी लेवल पर रेसिस्टेंस कहां पर है? सबसे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है 11,700 पर, और अब वो खिसक कर नीचे आ गया है 11,600 पर, जहां पर 17 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। अगर निफ्टी नीचे ऊपर नहीं जाएगा तो नीचे कहां तक जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट है निफ्टी में सबसे नीचे जहां पर ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा हो और प्रीमियम बढ़ रहा हो, वो जगह है 11,400 के पास में। यानी नीचे की तरफ निफ्टी में रेंज खुली है 11,400, बट उससे पहले कुछ स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं जैसे कि 11,500। इतनी आसानी में नहीं टूटेगा 11,500, उसको तोड़ने में बहुत वक्त लगेगा निफ्टी को। तो 11,500 जब टूटेगा उसके बाद ही कुछ होगा, ठीक है? सो नीचे की तरफ निफ्टी की रेंज खुली हुई है 11,400 तक की, देखते हैं क्या होता है आने वाले हफ्ते में। ऊपर नहीं जाएगा तो अगर आपको कुछ करना है तो कीजिए, पुट खरीदिए निफ्टी के अंदर, पुट खरीद कर बैठिए आराम से। ओके, 11,500 की पुट खरीदिए। ओके फ्रेंड्स, सो ये था 18 जुलाई का ऑप्शन चेन एनालिसिस। अब आप पूछेंगे कि ऑप्शन चेन एनालिसिस बेसिकली अवेलेबल कहाँ है? सो सबकी हर किसी को पता है, जो भी मार्केट के अंदर थोड़ा सा भी वक्त बिताते हैं उन्हें पता है कि ऑप्शन चेन एनालिसिस आपको निफ्टी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एक टेक्निकल एनालिसिस सीख जाइए थोड़ा सा। अगर आपको नहीं पता कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे सीखना है तो सिंपल शेयर अकेडमी में जाइए, इसकी प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको यहां पर लर्न टू अर्न सीरीज मिलेगी। ये लर्न टू अर्न सीरीज आपको टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक सिखाने के लिए सफिशियंट है। सिर्फ 18 वीडियोस, हर वीडियो तकरीबन 10 से 15 मिनट का, इतना कोर्स अगर आप कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह के शेयर्स में बाय करना है, कैसे शेयर्स हैं जिनसे दूर रहना है। और इसी एनालिसिस की बेसिस पर ही हमने आज का जो प्रेडिक्शन है वो इतना सही किया, तकरीबन एक हफ्ते पहले से हम कह रहे थे, ठीक। सो सिंपल एक काम करना है आपको कि ये लर्न टू अर्न सीरीज देखनी है। सेकेंड, निफ्टी की ऑप्शन चेन एनालिसिस, ये हम बिल्कुल मानते हैं कि ऑप्शन चेन एनालिसिस करना आसान काम नहीं है, दैट इज ट्रू, बट शेयर अकेडमी इस चीज़ को अपने सब्सक्राइबर्स को और अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध है। और इसके लिए हमने जो स्टडी मटेरियल तैयार कर रखा है उसमें आपको सबसे पहले बेसिक सिखा रहे हैं हम टेक्निकल एनालिसिस का, देन फंडामेंटल एनालिसिस का, देन एडवांस सिखा देंगे इन दोनों का, और उसके बाद आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस ज़रूर सिखाएंगे। बट उसके साथ साथ जो हम हर दिन के सेशन में ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं, इसे देख कर भी आप ऑप्शन चेन एनालिसिस सीख सकते हैं।
कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या आपको इंटरेस्ट है या नहीं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल इसे सीख सकते हैं, ये बिल्कुल कठिन काम नहीं है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ईदर यू आर फुल इन द मार्केट और यू आर फुल आउट ऑफ द मार्केट। हाफ वे कुछ भी नहीं है यहाँ, ऐसा नहीं है कि मैं पार्ट टाइम के लिए मार्केट में हूँ। या तो मार्केट में रहना है तो इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, नहीं तो मार्केट में नहीं रहना है, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू रहना है। अगर रहना है मार्केट के अंदर तो फुल इन रहना है या फुल आउट रहना है। इसलिए अपना नॉलेज ज़रूर बढ़ाते रहिए। और देखिए कि सिर्फ ये एक चैनल है, और भी बहुत सारे चैनल्स ने कहा था, बट हम वो हैं जिन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को, ये जो गैप था निफ्टी का 11,400 का, इसे सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था। और तब तक के लिए फ्रेश बाय किसी भी तरह की अवॉइड करी थी इंडिविजुअल निफ्टी 20 के अंदर, और साथ ही साथ इंडिविजुअल शेयर्स में ऐसे शेयर्स जो कि फंडामेंटली वीक हों। सो फ्रेंड्स, ये सिंपल सा डाटा एनालिसिस है। इस डाटा एनालिसिस को अगर आप कर लें तो आप भी ये जान जाएंगे, 7 दिनों पहले नहीं, आप 10 दिन पहले ही जान जाएंगे कि निफ्टी के लेवल्स क्या होंगे। हाँ, 100% एनालिसिस करना नामुमकिन है, बट फिर भी आपका जो एनालिसिस है उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। 60-70% तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि मार्केट किस तरफ जाएगी शॉर्ट टर्म के अंदर। शॉर्ट टर्म के अंदर डाटा एनालिसिस आपकी जो ऑप्शन चेन एनालिसिस है उससे आप जान सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। उम्मीद है कि सेशन से आपको थोड़ा बहुत सीखने के लिए मिलेगा। अगर सेशन पसंद आया हो या आपको ये लग रहा हो, और आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं और आपको पता है कि आज का जो सेशन था इसका प्रेडिक्शन तकरीबन 1 हफ्ते पहले से हम लोग कर रहे थे, अगर आपको लगा है कि आज का इस सेशन आपके लिए थोड़ा बहुत भी जानकारी वाला रहा है, कुछ सीखने के लिए मिला है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताइए कि इस सेशन से आपको क्या सीखने के लिए मिला है। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अब आप हमारी मदद भी कर सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे इस पेटीएम नंबर पर, साथ ही आप चाहें तो गूगल पे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए। शेयर एकेडमी एक ईमानदार कोशिश है नॉलेज शेयरिंग की। मार्केट में चल रहे लाखों रुपए के सेमिनार में दिया जाने वाला नॉलेज हम यहाँ पर आपके साथ फ्री में शेयर करते हैं। सो जुड़े रहिए शेयर एकेडमी के साथ, और हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, दैट मनी नेवर स्लीप्स। थैंक यू वेरी मच।